दोस्तों, मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरहाद मोबाइल सॉफ्टवेयर। मेरे हाथ में आज है वीवो Y71 का मॉडल और देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ही बंद कंडीशन में है इस टाइम पर। इसको मैं करूंगा फ्लैश करके अनलॉक, सॉरी अनलॉक नहीं, इसको मैं करूंगा फ्लैश और इसको रिकवर करूंगा जिससे ये बंद है। चलते हैं पीसी पर और इसको मैं अनलॉक करूंगा GSM शील्ड से, जो बहुत ही पावरफुल डोंगल है। ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं लेकिन मैं इसको यूज़ करता हूँ, काफ़ी सारा काम इससे करता हूँ। ये मैं खोल रहा हूँ अपना GSM शील्ड का क्वालकम वाला सेटअप, क्वालकम सेटअप है। फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने डाल दिया है लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, सारी टेस्टेड फाइल मिलेंगी आपको। इसके साथ ही कोई भी दोस्तों आपको डोंगल बॉक्स एक्टिवेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं मुझसे। मेरी वेबसाइट नीचे दी हुई है, उस पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। देखिए, आ जाना है मेरा फ्लैश पर और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है, पहले ऑटो सेलेक्ट को छोड़ देना है, स्किप कर देना है और यहाँ से मैन्युअली हमें इसके अंदर लोडर फाइल डालनी है, जो मैं डेस्कटॉप पे रखा हुआ है उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। कैसे इसको हम रिकवर करेंगे, कैसे इसको हम रिपेयर करेंगे, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, मैं आपको दिखाऊँगा स्टेप बाई स्टेप। देखिए, हमें ये Y71 की हमें ये लोडर वाली फाइल इसमें डाल लेनी है और यहाँ से मैं प्रोग्राम XML और ये पेज पर टिक कर इसके अंदर फाइल लेनी है। ये मैं इसके अंदर फाइल ले रहा हूँ, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है फाइल, इसको लोकेशन पे हमें देना है फाइल। दोस्तों, एक हम एक स्टेप इसका आप ध्यान से देखिए, उसके बाद देखना है हम सेकंड वाला ऑप्शन जहाँ लिखा हुआ है NoQCN, इसमें हमें ये फाइल डालनी है ताकि कोई IMEI का इशू नहीं आए, हमारा IMEI नंबर ना करप्ट हो। उसके बाद हमें क्वालकॉम मोड पे ले जाना है और ये फ्लैश पर टिक करना है। देखिए, मोबाइल में क्वालकॉम मोड पे लगा रहा हूँ, फ्लैश कर दिया मैंने इसको। क्वालकॉम मोड पे ले रहा हूँ मैं इसको, थोड़ा सारा वो केबल रिमूव हो गई थी, इसको मैं क्वालकॉम मोड पे देखिए लगा रहा हूँ दोबारा से इसको मैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है क्वालकॉम मोड पे ये आने के लिए, आ जाएगा क्वालकॉम मोड पे, थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होती है, डाटा केबल वगैरह थोड़ा लूज़ होती है, तो डाटा केबल इसकी में चेंज करके दोबारा इसमें लगाता हूँ ताकि प्रॉपर ये क्वालकॉम मोड पर आ जाए। उसके बाद देखेंगे इतनी आसानी से मैं इसको फ्लैश कर दूँगा और ये हमारा मोबाइल उम्मीद है रिकवर हो जाएगा और सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा। एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ क्वालकॉम मोड पे इसको लेने की। देखिए, ये क्वालकॉम मोड पे अब आ जाएगा, देखिए ये आ गया, मैं गलत पॉइंट शॉट कर रहा था इसलिए इतना टाइम लग गया। ये देखिए, क्वालकॉम HS USB क्यूडी लोडर 9008 COM11 ये हमारा आ चुका है। अभी हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमारी फाइल सेलेक्ट की हुई है, फ्लैश कर लेना है, फ्लैश पर कर लेना है और देखेंगे हमारे यहाँ से फ्लैशिंग प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, स्विचिंग टू फायर हॉर्स, ये हमारा काम स्टार्ट हो गया। इसी तरह दोस्तों, कोई भी अगर आपको डोंगल बॉक्स एक्टिवेशन करना है, UMT मेडिकल, या कोई भी अगर आपको UFI ZTAG वगैरह चाहिए, एक बार डोंगल चाहिए, कोई भी डोंगल चाहिए, UMT प्रो, MRT, तो नीचे दी हुई मेरी वेबसाइट है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है मेरा, डायरेक्ट मेरे साथ आप व्हाट्सअप से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं मुझे एड्रेस देकर, या चाहे तो मेरे साथ वेबसाइट पर जाकर आप ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं, बेस्ट रेटिंग प्रोवाइड कराऊंगा मैं। साथ ही आपको मिलेगा लाइफ टाइम सपोर्ट, जैसे कि कभी डोंगल कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई ड्राइवर का इशू आ रहा है, मोबाइल कनेक्टिंग का इशू आ रहा है, वो आपको पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से मिलता रहेगा और बेस्ट रेटिंग प्रोवाइड करता हूँ मैं अपने कस्टमर को, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के, उनको स्पेशली डिस्काउंट मिलता है मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा वीडियो देखकर वो मेरे साथ आते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, थोड़ा सा वीडियो को बीच में पोस्ट कर दूंगा ताकि आपका समय बच जाए, पूरा वीडियो ना देखना पड़े। यहाँ से देखिए, हमारा ये स्टार्ट हो रहा है फ्लैशिंग, हमारी थोड़ा सा टाइम लेता है फ्लैशिंग में,
थोड़ा सा इसको वीडियो को मैं पोस्ट करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाता है तो फिर कोई देखना नहीं चाहता है, सिर्फ काम काम की चीज़ देख लेता है कि कहाँ फाइल डाली है कहाँ फाइल नहीं डाली है, उसके बाद उसको आगे बढ़ा देता है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो का टाइम अच्छा रहेगा, वॉचिंग टाइम ज़्यादा रहेगा तो ये और लोगों के पास भी जाएगा। सच में बावजूद सच में जाता है ज़्यादा टाइम अच्छा हो वीडियो पर दे देते हैं कस्टमर तो सब्सक्राइबर तो ये आगे भी लिस्ट में जाता है। अगर वीडियो नहीं देखो पूरा स्किप कर दो 50% से कम देखो तो फिर वीडियो YouTube वाले नीचे पहुंचा देते हैं। तो इस वीडियो को कोशिश करिए पूरा देखने की, देखिए हमारी सारी फाइल यहाँ से ओके हो रही हैं। मेरे पास नया स्टॉक आया हुआ है UEFI वाले GTEC का, आप चाहें तो मुझसे परचेस कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट भी नीचे दी हुई है farhadgsm.com। इसी साथ ही अगर आपको अपना होलसेल का काम स्टार्ट करना है एक्टिवेशन होलसेल सर्वर का तो आप मेरे साथ GSM फ्लैग पर आ सकते हैं, वेबसाइट ऑर्डर कर सकते हैं मेरे साथ। देखिए हमारी यहाँ से फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है, रिसेटिंग डिवाइस ओके प्रोसेस फिनिश्ड। तो अभी मोबाइल के स्क्रीन पर चलेंगे, देखिए हमारा पूरा यहाँ से काम स्टार्ट हो गया। तो मैं कह रहा था कि अगर आपको एक्टिवेशन का काम स्टार्ट करना है अपना होलसेल ताकि आप फुल एक्टिवेशन करना चाहते हो तो मेरे साथ व्हाट्सएप पर आप आ सकते हो। आपको मैं यूज़र नेम पूरा पैनल बनाकर दे दूँगा जिससे आप सारे एक्टिवेशन अपने खुद कर सकते हो UEFI सॉरी UMT मेडिकल वगैरह के और कस्टमर के भी कर सकते हो। इसी बीच हमारा मोबाइल कंप्लीट फ्लैश यहाँ तो हो चुका है। अभी इसको देखिए मैंने बैटरी कनेक्टर इसका कनेक्ट कर दिया है, दोबारा से इसमें कनेक्टर लगा दिया है और अभी इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। देखेंगे हमारा उम्मीद है मोबाइल हमारा ये ऑन हो जाएगा जो कि बिल्कुल पहले हमारा मोबाइल ख़राब था। तो देखिए हमारा वीवो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सक्सेसफुली फ्लैशिंग हमारी यहाँ से कम्प्लीट हो गई। काफ़ी आसान मेथड से मैंने इसको किया है और GSM शील्ड की डोंगल्स की सहायता से किया है। जो लोग ज़्यादा GSM शील्ड के बारे में नहीं जानते हैं उनको बता दूँ काफ़ी सारे मैंने इस चैनल पर वीडियो बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा डोंगल है, स्पेशली टेक्नो के लिए बहुत अच्छे काम करता है। टेक्नो की FRP 1 क्लिक में निकाल देता है ये अच्छे अच्छे मॉडल की जो UMT वगैरह भी फेल्ड हो जाता है, वो लाइफ टाइम डोंगल है ये, आप चाहें तो मुझसे परचेस कर सकते हैं। ये देखिए हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा ये ऑन होने में कम्प्लीटली, 6 से 7 मिनट 10 मिनट तक ये ले लेता है। तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर दिया है बीच में ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो जाए क्योंकि करीब 9 मिनट का वीडियो हो जाएगा। नॉर्मली मैं इतनी लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ, 3-4 मिनट में ही मैं वीडियो बनाकर ख़त्म कर देता हूँ, 3-4 मिनट के अंदर ही मैं पूरा समझा देता हूँ कि कस्टमर को कैसे अनलॉक करना है। तो देखिए हमारा मोबाइल यहाँ से कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, वेलकम स्क्रीन आ गया लिखा हुआ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ आपको मैं नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अपने चैनल पर ही जाना कि वीडियो अपलोड करता हूँ डोंगल रिव्यू बॉक्स रिव्यू मोबाइल फ्लैशिंग मोबाइल ट्रिक और स्पेशली डोंगल बॉक्स का रिव्यू करता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके देख लीजिए एक बार आपने बेल आइकॉन ठीक से प्रेस किया हुआ है कि नहीं ताकि आपको आने वाली वीडियो से मिस ना हो आप, और चैनल के साथ हमेशा बने रहें वीडियो के साथ हमेशा बने रहें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने आगे भी शेयर कर दिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक पर ताकि और लोगों को भी इससे थोड़ी मदद मिल सके और वो भी उनके पास कोई डेड कंडीशन में मोबाइल आए तो वो भी इससे अपना मोबाइल बना सकें। दोस्तों मिलता हूँ मैं आने वाले अगले फिर वीडियो में, तब तक अपने दोस्तों का ख्याल रखें, बाय बाय।